नमस्कार फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन कुमार। जैसे कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग आधार सेंटर कैसे ओपन करेंगे। अगर आप लोग आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UID की ओर से बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रही है। अब आप लोग गवर्नमेंट की साइट पे जाके आधार सेंटर ले सकते हैं। अब आपको सरकार ही आधार का ID दे रहे हैं, ठीक है। और इस आधार का ID लेके आप लोग आधार का हर एक काम कर सकते हो। जैसे आप लोग नया आधार कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड में फोटो वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम दिखाते हैं कि कैसे आपको आधार सेंटर मिलेंगे गवर्नमेंट के साइट पर, और कौन कौन सा कंपनी है जो अभी आधार सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको न्यू अपडेटेड जानकारी मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आधार सेंटर हमको कैसे ओपन करना है, कौन कौन सा कंपनी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। तो आधार सेंटर ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको गूगल पे सर्च करना है रूरल डिपार्टमेंट, ठीक है। आप लोग यहाँ पे रूरल डिपार्टमेंट लिखेंगे तो सबसे ऊपर में ही इसका वेबसाइट मिल जाएंगे। हालांकि इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इसके वेबसाइट पर आ सकते हो। इसके वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नीचे आना है। नीचे में आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो चलिए हम एक एक ऑप्शन बताते हैं कि कौन कौन सा है और आपको कैसे आधार सेंटर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रांसफर और पोस्टिंग का ऑप्शन मिल रहे हैं, सर्कल का ऑप्शन मिल रहे हैं, ट्रेनर का ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑफिस ऑर्डर का ऑप्शन मिल रहे हैं, नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। नोटिस बोर्ड का ऑप्शन मिल रहे हैं, डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। ACT एंड रूल्स का ऑप्शन मिल रहे हैं, उसके बाद रिक्वायरमेंट रिजल्ट का ऑप्शन मिल रहे हैं, कैबिन डिसीजन का ऑप्शन मिल रहे हैं, SL डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन मिल रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं कि कहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है नोटिस बोर्ड, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नोटिस मिल जाएंगे, नोटिस बोर्ड आपको ओपन होकर आ जाएंगे। जो भी इस वेबसाइट में नया नया अपडेट आते हैं उसका नोटिस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 4/1/2022 को जो अपडेट आए हैं, यहाँ पे है सर्टिफिकेशन ऑफ क्लेम ऑफ टेंडर नंबर RDD001/2021 Aadhaar 01, ठीक है। Aadhaar PC आप लोग यहाँ पे आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे पहले ही अपडेट आ गया था। अब जान लेते हैं कि इसके द्वारा जो हमको आधार सेंटर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, कैसे हमको लेना है। तो आधार सेंटर लेने के लिए इसके आगे में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं डाउनलोड का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक PDF ओपन होके आ जाएंगे ग्रामीण विभाग द्वारा, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं कि इसमें क्या है, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आपको आधार सेंटर लेना है। देखिए, आधार सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन हेतु निकाले गए निवित दिनांक मतलब 25/10/2021 से खोला गया था, ठीक है। लेकिन पहले इसे मंजूरी नहीं मिला था, अब इसको मंजूरी गवर्नमेंट ने दे दिया है। अब आप लोग यहाँ पे आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं, इसी के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। और आपको यहाँ पे जो भी इसका अधिकारी है उसका सिग्नेचर भी मिल जाएंगे, ठीक है। सिग्नेचर भी मिल जाएंगे, और किस डेट को सिग्नेचर हुआ है, 4/1/2022 को सिग्नेचर हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे, ठीक है। अब जान लेते हैं कि इस कंपनी के द्वारा आपको आधार सेंटर कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट की ओर से आया है, ठीक है, अपडेट, यहाँ पे आपको एजेंसी का सूचित दिया गया है, ठीक है। इस एजेंसी के द्वारा आप लोग आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम एजेंसी के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सा एजेंसी है। सबसे पहला जो है कॉमटेक इन्फो सॉल्यूशन है, उसके बाद है नवेश टेक्नोलॉजी PVT LTD, MPD डीजी ट्रैक्शन PVT LTD, गुजरात इन्फोटेक LTD, ठीक है, MKS इंटरप्राइजेज, M2C PVT सॉल्यूशन, संजीवनी विकास फाउंडेशन, ओरिजिनल सेक्रेटरी सॉल्यूशन PVT LTD, जेपर LTD, यूटिलिटी फर्म PVT LTD, फिया टेक्नोलॉजी सर्विस पर प्राइवेट लिमिटेड है, ब्लूम सॉल्यूशन PVT LTD, अलंकित LTD। तो इतनी सारी एजेंसी है जिसके द्वारा आप लोग आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारी एजेंसी ऐसे ही मिल रहे हैं जो आप इसका नाम जानते होंगे, ठीक है। पहले हम उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अलंकित के बारे में जानते होंगे, यहाँ पे जो अलंकित है, ठीक है, अलंकित के बारे में जानते ही होंगे। अलंकित के द्वारा आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP भी ओपन कर सकते हैं। फिया को तो जानते होंगे, फिया के द्वारा भी आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो एक कंपनी मिल रहे हैं, यहाँ पे संजीवनी विकास फाउंडेशन, इसके बारे में भी जानते ही होंगे आप लोग। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP भी इस कंपनी के द्वारा ले सकते हैं। लेकिन अब हुआ है क्या, इस कंपनी के द्वारा आप लोगों को आधार सेंटर भी मिलना प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। अब आधार सेंटर लेने के लिए आपको क्या करना होगा उसके बारे में हम पहले जानते हैं। जैसे 7 नंबर पर आपको यहाँ पे संजीवनी विकास फाउंडेशन है,
यहाँ पे 11 वर्षीय टेक्नोलॉजी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, अलंकित है। सिंपली हम इसमें से एक कंपनी के बारे में बता देते हैं कि उस कंपनी के द्वारा आप लोगों को आधार सेंटर कैसे लेना है। जैसे हमको संजीवनी विकास फाउंडेशन से आधार सेंटर लेना है तो इसका नाम हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी कर लिए, गूगल पे आ गए, यहाँ पे हम पास्ट कर दिए, ठीक है। इसको सर्च कर लिए, चलिए हम सर्च करते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है सबसे ऊपर में ही, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मिल रहा है, इसे आप लोगों को रीड करना बहुत ही जरूरी है। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। यहाँ देखिए, नकली ठग एवं धोखेबाज से सावधान। देखिए यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल वेबसाइट है वो आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, अगर आप लोग इसके दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं तो आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट का लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं, वहाँ पे फ्रॉड होने की कोई भी चांस नहीं रहेगी। हालांकि वहाँ पे अगर कॉपी करके पास्ट करेंगे तो आपको कोई भी फ्रॉड होने का चांस नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं। इसके वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक एक ऑप्शन बता देते हैं कि कौन कौन सा मिल रहे हैं। यहाँ पे होम का है, डाउनलोड का है, सीएसपी रिक्वेस्ट का है, वीडियो गैलरी है, सीएसपी गैलरी है, ब्लॉग है, एफएक्यू है, कॉन्टैक्ट अस है। तो सिंपली अगर आप लोग यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेना चाहते हो, पीएनबी का सीएसपी लेना चाहते हैं, तो सिंपली सीएसपी रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिल जाएंगे। उस फॉर्म को फिल करके आवेदन करें, अप्लाई पे क्लिक करके फॉर्म मिलेंगे, इस फॉर्म को भर के सीएसपी भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आधार सेंटर लेना है तो आपको कैसे मिलेंगे? आधार सेंटर लेने के लिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस मिल रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे ऊपर में कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दें, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे कि कैसे आपको आधार सेंटर के लिए कॉन्टैक्ट करना है, कैसे आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, इसलिए कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और पूरी तरह से आप लोग आधार सेंटर ले पाएँ। क्योंकि मैं जब वीडियो स्पीड में बना देता हूं तो आप लोग थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पे स्टेट का जो ऑप्शन मिल रहे हैं, अगर आप लोग जिस भी स्टेट से वो आप लोग यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो स्टेट का नाम है इसके बारे में बता देते हैं। जैसे यहाँ पर बिहार शो कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर चंडीगढ़ है, गुजरात है, यहाँ पर पांडिचेरी है, पंजाब है, उड़ीसा है। इसमें से किसी भी स्थान से आप लोग हो, ठीक है, तो आप लोग उस पर क्लिक करके सीएसपी रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सीएसपी रिलेटेड हमको जानकारी मिल जाएंगी, लेकिन हमको इस पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमको आधार सेंटर लेना है, तो आधार सेंटर लेने के लिए आपको आ जाना है नीचे में। नीचे में आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डोरस्टेप बैंकिंग है, आधार इनरोलमेंट वर्क्स है, म्यूचुअल फंड एंड अदर्स है, पेन है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पैन आईडी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको आधार आईडी लेना है। तो आधार इनरोलमेंट के लिए आपको सिंपली आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा, जो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट हेड है इसको आपको कॉल करना होगा। उसके बाद आपको जो आईडी मिल जाएंगे, कुछ भी गड़बड़ी होते हैं तो आप लोग यहाँ पे टेक्निकल हेड के द्वारा उसे सॉल्व करवा सकते हैं, यहाँ पे उसका भी नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसी नंबर पर कॉल करना होगा, जो कि हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दिए हैं। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का कोई समझ में नहीं आते हैं तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। तो जो भी आधार सेंटर लेना चाहते हैं संजीवनी के द्वारा, वो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके अपना आधार सेंटर ले सकते हो, जो कि एक बड़ा अपडेट निकल के आ रही है अभी गवर्नमेंट की ओर से। और ये जो आधार सेंटर मिल रहे हैं अभी बिहार के लिए है, अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं तो भी आप लोग इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। तो मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।